रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये आज की मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक रेसिपी, चिकन कोरमा। फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं हमारा चिकन कोरमा बनाने। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा है अनियन, मतलब कि प्याज। इस साइज का मैंने प्याज काटे हैं। ये है मेरे 6 प्याज, मैंने काट लिए हैं, 6 पीस थे, उसको मैंने चॉपली काट लिया है। और ये है मेरा चिकन, ये है आधा किलो चिकन, मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। और ये मैंने आपको बता दिया कि 6 मैंने प्याज काट लिए हैं। ये है मेरा 85 ग्राम दही, मैंने दही निकाल लिया। किसी को ज़्यादा क्वांटिटी करनी है वो ज़्यादा कर सकता है, जिसको कम रखनी है वो कम कर सकता है। मेरे घर पे प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं और दही थोड़ा कम, तो इसलिए मैंने अपनी थोड़ी कम क्वांटिटी रखी है। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने 1 चम्मच निकाला है। और है मेरा धनिया, धनिया पाउडर 1 चम्मच निकाला है मैंने। और ये है मेरे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और ये है मेरी हल्दी, आधे चम्मच हल्दी निकाली है मैंने। ये है मेरा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। मैं सारे गरम मसालों को पीस लेती हूँ बिकॉज मेरे घर पे ज़्यादा खड़े मसाले नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि वो मुंह में आते हैं तो कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं गरम मसाले पहले ही पीस लेती हूँ। ये है मेरा आधा चम्मच गरम मसाला। और ये है मेरा 1 चम्मच नमक, मतलब कि सॉल्ट, मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगी, हिंदी में भी बोल दूंगी, ठीक है। ये है मेरा नमक, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये है मेरा स्पून, इस स्पून से मैंने सारे मसाले निकाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी निकाला है। तो आप ऐसा स्पून तो सबके घर में नॉर्मली होता ही है, तो मैंने इसी से इसलिए निकाला है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये हम आप कितना भी डाल सकते हैं, जिससे ज़्यादा ऑयल पसंद है वो ज़्यादा डाल सकता है, जिससे कम पसंद है वो कम डाल सकता है। तो मैंने ये ऑयल हो गया है, अब इसे थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये 5 मिनट इसे गर्म होने में। अब मैं इसमें सारे जो जितने मैंने प्याज काटा है वो मैं सब इसमें डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये प्याज मेरा रेड होने लगा है, हल्का हल्का पिंक हो गया है। अब धीरे धीरे ये रेड भी हो जाएगा, जब ये बिल्कुल रेड हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे, अभी तो हम बस इसको रेड होने देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जब ये हल्का हल्का रेड हो जाए तो आप प्याज को चलाते रहें, बिकॉज अगर ये आप चलाएंगे नहीं तो ये प्याज जल जाएगा, और अगर जल जाएगा तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप प्याज को चलाते रहें। ये इतना ऑयल बचा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर लेते हैं, मुझे कम लग रहा है इसलिए। इसमें हमने थोड़ा और ऑयल ऐड कर लिया है। अब हमें गैस चालू कर देनी है, ठीक है। अब जो हमारा ये चिकन है, इस चिकन को अब हमें इसमें फ्राई करना है, ऐसे नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही डाल देना और इसको इस ऑयल में ऐसे करके हमें डाल देना। फ्रेंड्स, अब ये मेरा मुर्गा हो चुका है तो मैं इसको अब निकाल लेती हूँ बाहर। ये फ्रेंड्स, जो मैंने प्याज तला था, जो गरम वो हो गया था प्याज, अब मैं उसको मिक्सचर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी, ये पीस लूँगी मैं इसे। फ्रेंड्स, ये मैंने अपना प्याज जो है मिक्सचर में दरदरा पीस लिया है, और अब जो मेरा ये दही था वो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, और मैं इसको भी हल्का सा बस ग्राइंड कर लेते, ज़्यादा नहीं करते। ये मेरा तेल गरम हो गया है और जो हमारे ये सारे मसाले थे तो मैं ये मसालों को इसमें डाल लेती हूँ, सारे मसालों को
बिल्कुल हल्का हल्का भून लेती हूँ। और ये है अदरक लहसुन जो मैंने पेस्ट बनाया था, उसको भी इसमें डाल लेती हूँ। और अब मैं इसको भून लेती हूँ। अब इसमें हम जो हमने वो प्याज और ये जो दही था इसको हमने मिक्सर में पीस लिया था, वो हम इसे सब इसमें डाल देंगे। और अब बस ये हमारा सारा भून लेते हैं इसको हम खूब अच्छे से। इसमें अगर अच्छे से आप भूनेंगे नहीं तो महक आएगी, इसलिए आप इसे अच्छे से भून। देखो फ्रेंड्स, हमारा मसाला सारा भून चुका है। अब बस इसमें हम अपना मुर्गा ऐड कर लेते हैं, चिकन ऐड कर लेते हैं। बस हम इसमें पानी डाल देते हैं, ज्यादा पानी मत डालिएगा, एक आप नॉर्मल ग्लास लेकर दो ग्लास पानी डाल दीजिएगा। बस अभी हमारा पानी इसमें डाल चुका है और अब हम इसे ढक देते हैं और बस अब हम इसे बनने देते हैं। कम से कम आप इसे 10 मिनट आप इस पर फुल आँच पे इसको चलाइए। फिर फ्रेंड्स, अब हमने 10 मिनट इसको पका लिया है फुल आँच पे। देखिए ये ऐसा हो गया है। अब हम बस हल्की आँच पे कर देते हैं गैस को और 5 मिनट बस इसे रख देते हैं। ये हमारा मुर्गा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 5 से 10 मिनट और पका लीजिए। अगर आपको कच्चा लगता है तो 10 मिनट पका लीजिए, वरना तो ये 5 मिनट में हो जाएगा। अगर आपको कच्चा लग रहा है तो आप 10 मिनट इसे पका सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा अभी ये कोरमा एकदम रेडी हो चुका है। मैंने इसको बना लिया, ये मेरा रेडी हो चुका है। मैंने इसको जो हल्की आँच पे 10 मिनट के लिए पका लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा था, इसलिए मैंने इसे 10 मिनट पका लिया था। अगर आपको अभी टाइट लगे तो आप उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। अब बस हम इसमें थोड़ा सा ऊपर गरम मसाला डाल देंगे। हमने हमारा गरम मसाला डाल लिया है और अब हमारा चिकन कोरमा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती हो गई या मैंने एडिट करने में या किसी चीज़ में कोई गलती कर दी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और माफ़ भी कर देना। बिकॉज़ यार पहली वीडियो है तो थोड़ा तो हो जाता है। इंशाल्लाह मैं आगे बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।